to the 100 cases where you read less and you learn more. And if you want to check out this case in a descriptive manner, please check out the link in the description. अब इस केस में क्या होता है कि जो बार्टन होते हैं और जो आर्मस्ट्रांग होते हैं वो एक कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं और वो दोनों मेजर शेयर होल्डर होते हैं। अब होता क्या है कि जो आर्मस्ट्रांग होते हैं वो बार्टन को फोर्स करते हैं और ड्यूरस करते हैं कि तुम मेरे भी शेयर खरीद लो। तो फिर क्या होता है, बार्टन को जबरदस्ती ही उनके शेयर खरीदने पड़ते हैं। लेकिन फिर बार्टन बाद में क्या कहते हैं कि मुझे ये शेयर नहीं खरीदने थे और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि मुझ पर ड्यूरेस करी गई थी ये शेयर्स खरीदने के लिए। तो उसके बाद फिर ये केस जाता है कोर्ट में। फिर बार्टन कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि मुझे डरा धमका के मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और फिर कोर्ट इस केस की हियरिंग करता है। अब कोर्ट इस केस में क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में जो शेयर्स की सेलिंग का एग्रीमेंट है इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ड्यूरेस से बनता है और जैसा कि इस केस में हुआ है, शेयर परचेस करने के लिए बार्टन को फोर्स किया गया था तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा और जैसा कि इस केस में हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।